सेलो सर, कैसे हो आप सब लोग? सर, मेरे पीछे देख रहे हो आप कीवे की ऑल न्यू SR250, SR125 जो आपने देखी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था रिव्यू। और अभी जो है ना रिसेंटली अभी कुछ देर पहले ऑटो एक्सपो में कीवे ने जो है SR250 को भी लॉन्च कर दिया है और ऐसे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है कि आई डोंट थिंक कि इस प्राइस में कोई और 250cc आपको बाइक देखने को मिलेगी। तो चलिए दिखाता हूँ। सही, जियरी ऑल न्यू कीवे SR250। अब इसमें जो है ना गाइस, आप सोच रहे हो कि यार देखने में तो सिमिलर ही है। सो हाँ, देखने में सिमिलर है बट फीचर्स सिमिलर नहीं है। यहाँ पे जो है ना ढेर सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से ही। उससे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ बाइक को। तो यहाँ पे आप देखो LED हेडलैम्प आपको मिलता है, बिल्कुल डिफरेंट। उसमें जो है हेलोजन मिलता है आपको 125 में, जो कि आप पीछे देख पा रहे हो। ब्लिंकर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हैजार्ड जो है मैं ऑन कर लेता हूँ इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैजार्ड का फीचर भी बाय द वे मिल जाता है। उसके बाद ये जो बाइक है ना, ऐसे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की गई है कि आप लोग सुन के एक बार तो हिल ही जाओगे। इसकी जो प्राइस है ना 1.49 लाख रुपीज़ है एक्स शोरूम। ऑन रोड जो है 1.7 लाख के अराउंड जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप मेरे को अब यही बताना कि भाई कीवे SR 250 आपको कैसी लगी इस प्राइस पॉइंट में। तो चलिए बाकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे मेटल में, जो इसका फ्रंट मडगार्ड है। ड्यूल चैनल EBS है और 110 सेक्शन का जो फ्रंट टायर है इसमें, डिस्क है काफ़ी बड़ा। साइड में आऊँ तो यहाँ पे जो है आपको टैंक मिल जाता है। टैंक का साइज़ मैं कंफर्म कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो आपको 14.2 लीटर का ये जो है टैंक देखने को मिलेगा। इंजन जो है 223cc का है। 250 आपको दिखाया गया है बट 223cc का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो इंजन है ना पावर देता है 16 PS की, 16 Nm का टॉर्क देता है। और यहाँ पे जो है आपको एयर कूलिंग सिस्टम ही देखने को मिलेगा। दिखा देता हूँ आपको मैं अच्छे से। ये देख सकते हो 5-speed का गियर बॉक्स आपको देखने मिलेगा। ओके, अभी जो है माइलेज के बारे में बात करो तो भाई साहब ये जो बाइक है ना माइलेज आराम से 35 से 40 तक दे देगी, क्योंकि माइलेज जो पावर है ना वो ज़्यादा नहीं है। उस वजह से बाइक जो है अच्छी खासी माइलेज आपको निकाल सकती है, दे सकती है निकाल के। उसके बाद फ्रंट फुटरेस्ट, रियर ब्रेकिंग, रियर फुटरेस्ट, एग्जॉस्ट देख सकते हो। रियर में सस्पेंशन आप देख सकते हो। SR250 की जो है यहाँ पे बेजिंग आप देख सकते हो। सिंगल सीट है, कंफर्टेबल है। ओके, पीछे जो है ग्रैब रेल आप देख रहे हो। टेल लाइट है LED और ब्लिंकर्स आपको देखने मिल जाएंगे। 136 रियर टायर है। अगेन ABS है, डिस्क है काफ़ी बड़ा। यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी, LED लाइट दी गई है नंबर प्लेट के लिए। उसके बाद साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड दोनों ही यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये जो है इसकी पासिंग लाइट है, ये हाई बीम लो बीम है, इंडिकेटर है, सिंगल हॉर्न काफ़ी डाउन है क्योंकि इसकी बैटरी अभी डाउन हो चुकी है। ये बीच में हैजार्ड का बटन है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर जो है ना ये जो की है ना इसको आप दोनों तरफ ऑफ कर सकते हो, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ ऑफ हो जाती है। तभी ऑन कर लिए इग्निशन सेल्फ। यहाँ पे ब्रेक ऑयल है। तभी जो है ना आप देखो इसकी सबसे पहले की दिखाता हूँ आपको। ये बेसिक सी की है, सिमिलर बिल्कुल उसी की तरह जैसे उसमें थी। फीचर्स इसमें क्या है उनके बारे में बात करते हैं। RPM मीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, सारे इंडिकेटर, उसके अलावा कोई फीचर नहीं है। तो जो फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो प्राइसिंग वगैरह है ना वो भी मैंने इसकी आपको बता दी है। सो अब आप मेरे को बताना कि आप इस प्राइस पॉइंट में इसको लेना पसंद करोगे या फिर नहीं। तो चलिए गाइस, ये देखो आज की वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करो। बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।